मैडम रिजवानों पर तशद्दुद हुआ है, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? बच्चों की तरह इबादत करने गई है मैडम, मासूम बच्ची पर तशद्दुद हुआ है। मैडम कुछ तो बोला मैडम, उस बच्ची पर तशद्दुद हुआ है मैडम, काफी अरसे से उनके जख्म मैडम थे, उन्हें हॉस्पिटल में लेके गए, कोर्ट में दे दिए मैडम, इसको कुछ तो बोले आप। मैडम कुछ तो बात करें, रिजवाना की गलती थी मैम। मैडम आप पर इस वक्त उंगलियां उठ रही हैं, आपको जवाब देना चाहिए। मैडम आप पर इल्जाम लग रहा है, आप कुछ कहना चाहेंगे? रिजवाना पर तशद्दुद किसने किया है? नहीं तो कोई देना चाह रहा हूँ मैडम, जिन्हें तशद्दुद नहीं किया, कम उम्र बच्ची है, उसने काम कराना जायज था या कानून के मुताबिक है? थोड़ा यार डिस्कस कर रखे मैडम, आपके बच्चे भी मैडम उस पर तशद्दुद करते रहे हैं, आपके बच्चे भी तशद्दुद करते रहे हैं उन पर। मैडम जवाब दिए ना आप। मैडम इंसाफ की तवक्को रखती है कि रिजवानों को इंसाफ मिलेगा, क्योंकि किसी ने तो तशद्दुद किया रिजवाना पे, इंसाफ मिलेगा रिजवाना को? आप इतना कहते हैं रिजवाना को इंसाफ मिलना चाहिए, मैम रिजवाना को इंसाफ मिलना चाहिए, रिजवाना को इंसाफ मिलना चाहिए, रिजवाना को इंसाफ मिलना चाहिए मैम। मैम बच्ची पर तशद्दुद किसने किया? रिजवाना को इंसाफ कौन देगा? मिलेगा इंसाफ? बिल्कुल ठीक है। कार्रवाई के बारे से नॉर्मल बता दीजिए, केस के बारे से बताएं। झूठी FIR है, ठीक है, तशद्दुद कैसे हुआ? आज की कार्रवाई के हवाले से थोड़ा सा बता दें, आज क्या कुछ हुआ जमानत में? मैडम बता दें, आपसे कलर उठा दें, वकील आपका काम है। इतना कहूँगा कि हमने कोर्ट में सरेंडर किया है, हम कोई लॉ से भाग नहीं रहे, ठीक है। अब इन्वेस्टिगेशन होगी, जो चीज़ें होंगी वो सामने आ जाए, तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा सा इंतज़ार कर लें, बजाय चीज़ें अपने तरफ से करने हैं। सर आप ऐसे वकला हैं, देखें चाइल्ड लेबर का जुर्म क्या है, देखें सजा क्या होती है चाइल्ड लेबर जुर्म? 17 साल चाइल्ड लेबर नहीं होती, क्योंकि ऐसे खबर ही कर देते शोहर कह रहे हैं इंटरव्यू में कि उनका थोड़ा यानी तो ठीक नहीं है, ठीक नहीं है। नहीं यार, नहीं उसने नहीं, बच्ची का कहा था कि इसका थोड़ा सा कोई इशू है, कोई ऐसी बात तशद्दुद किसने किया? सवाल ये बताओ, कोई तशद्दुद नहीं किया। आप तो कह रहे हैं इन्होंने बच्ची कैसे में कीड़े सर में कीड़े पड़े हुए, वो कैसे? आपका ये शहजाद मलिक साहब इधर होंगे आपके BBC में, उनको मैंने सारी स्टोरी बताई है, आप बताएं ना। कोई तशद्दुद नहीं हुआ जी, ठीक है ना। ये नाम लिखा हुआ FIR में कि तीन बंदे वालदा वालद और उसके मामू गालबन बच्ची के, उन्होंने घर से बच्ची ली है। अच्छा, घर से इन्होंने बच्ची रिसीव नहीं की है, इन्होंने आज तक घर देखे नहीं है पटिशनर का अक्यूज़ जो है, ठीक है। ये बच्ची इनके हैंड ओवर की गई थी 26 नंबर स्काईवेज बस स्टैंड पे, वहाँ से इसकी वालदा ले चली गई थी। घर क्यों नहीं बुलाया सर, को मशकूक था, मतलब तीसरा पॉइंट क्यों रखा है? नहीं, वो वहाँ से सरगोधा उसने वापस जाना था, वापसी कर रही थी इसलिए वो। अच्छा, बच्ची की हालत बहुत क्रिटिकल है, क्या वजह है, क्या हुआ है उसको बच्ची को? ये तो मैंने अभी तक रिपोर्ट कोई मेडिकल आई नहीं है प्रॉपर, जो है ये मीडिया से सुन रहे हैं, फुटेजेस आ रही है, वीडियोस आ रही है, फुटेज से तो नहीं होगा ना साहब, ये कोई उसका मेडिकल छोटी सी बात बताइएगा कि उनके जो हस्बैंड हैं मोहतरम मुजद साहब, उन्होंने कहा है कि उनकी जो बेगम है थोड़ा ऊंचा सा? नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, ऐसे उन्होंने इस तरह आपने गलत उसको कर रहे हैं,
नहीं बेहतर है, उन्होंने ऐसी बात नहीं की है। अब ये तो नहीं कहना चाह रहे जज साहब को फंसाने के लिए, उनके लिए बीमारी का बहाना तो नहीं बनाया जा रहा, पता नहीं अब इसमें पीछे क्या इसमें है, लेकिन ये वकूआ गलत है। अगर अगर ये गलत है साबित हो जाता आप कल छोड़ देंगे उनकी तशद्दुद गलत है या इनकी बात छोड़ देंगे आप अगर ये साबित हो जाता है केस से बच्ची पे तशद्दुद गलत हुआ है, ये गलत हो जाती है तो आप रिपोर्टिंग छोड़ देंगे? नहीं हमने तो नहीं यार इस तरह ना करें ना, नहीं मैं आपके शोबे की बात नहीं कर रहा, इनकी वकालत छोड़ उनकी यार इसी केस ये यही है ना कि आप इस तरह कह रहे हैं, वो तो देखेंगे आर्गू करेंगे, अगर वो गिल्टी हो गए तो फेस करेंगे जेल काटेंगे, अगर इनोसेंट हुए तो बेल ग्रांट कर दीजिए। बेल तो नहीं है, बेल ग्रांट हो गई है ना, बेल है कंफर्म हो गया। तस्वीर के लिए कोई रब्ता किया जा रहा है दूसरी फैमिली से? देखें कंपाउंडेबल ऑफेंस है, काबिल राजीनामा है, जितने ऑफेंस हैं राजीनामा किया जा सकता है, अगर उनका ग्रीवियंस जो उनकी उनका ग्रीवियंस हमारे से आया तो हम उनसे मतलब राजीनामा तो उन पर भरा जा सकता है। मुझे नहीं पता कि उन्होंने, मैं वैसे कह रहा हूँ कंपाउंडेबल ऑफेंस राजीनामा हो सकता है। फैसल वाडा ने कॉल की जिसके मामले को, बाकी मुझे नहीं, बाकी राजीनामा तो प्रेशर से फैसल वाडा से पूछे। थैंक यू, बहुत शुक्रिया।